नमस्कार। इस समय हम मंडियाओ फ्लाईओवर के नीचे खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम आपको यहाँ की स्थिति को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये कोई आम रास्ता नहीं है, लेकिन नगर निगम ने यहाँ पर इसको कूड़ा घर बना दिया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नगर निगम की गाड़ियाँ आके खुद यहाँ पे कूड़ा डंप कर रही हैं। यह विकसित लखनऊ की तस्वीर है, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये खाली जगह नहीं है बल्कि एक नागरिकों के निकलने के लिए एक रास्ता है यहाँ पर। लेकिन आप देख रहे होंगे कि नगर निगम की कूड़े की गाड़ियाँ आती है और यहाँ पे कूड़ा डंप कर देती हैं और राहगीरों को निकलने के लिए इस कूड़े के ढेर के ऊपर से होके जाना पड़ता है, इससे यातायात भी काफ़ी बाधित रहता है। ये आप देख रहे होंगे कि स्मार्ट सिटी लखनऊ की तस्वीर है, आपको हम दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए कूड़े की गाड़ियाँ हैं, किस तरीके से कूड़ा यहाँ पे डंप कर रही हैं, जबकि ये कोई खाली जगह नहीं है। मंडियाओ फ्लाईओवर के नीचे का यह नज़ारा है। आइए भैया, थोड़ा बोलिए। ये देख लीजिए, आइए इधर इधर। इतना करने के बावजूद भी नहीं मानते इनको, रोकिए आप, देखिए नहीं नहीं वो इंटरव्यू दीजिए, बस सही हो जाएगी। जिम्मेदार आप अधिकारी बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं। यहाँ के आम नागरिक हैं वो भी काफी परेशान है, जनता में यहाँ पे काफी आक्रोश है। महानगर चलिए चलिए, थोड़ा सा माइक पे बोलिए, थोड़ा सा बताइए दादा क्या समस्या है यहाँ पे। यहाँ समस्या बहुत है, गली बंद हो जाती, कूड़ा गिर रोड पूरा ब्लॉक। जी 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 जी, बहुत आवत है, अच्छा चाला हो जाए, गिर पर रिक्शा वाले सवारी मोटरसाइकिल वाली गिर पर। जी जी, अच्छा तो नहीं बदबू आता है, बैठा ले जाते पूरे लखनऊ। भाई साहब क्या समस्या है ये आप देख रहे होगे किस तरह से। ये समस्या ये है कि ये लोग रोड पे कूड़ा गिराते हैं, पूरा रोड ब्लॉक होता है, गंदगी होती है, इसमें तमाम प्रकार की बीमारियां हैं। खाने के ठेले लगते हैं, ये लोग धमकी देते हैं कि नगर निगम की जमीन है, आप लोगों का ठेला हम बंद करा देंगे। जी जी, जब चाहेंगे तब आप लोगों का ठेला बंद करा देंगे। मना करने पर गुंडाई और बदमाशी करते हैं लोग, कहते हैं सरकारी जमीन है, सरकारी काम है, आप लोग ड्रामा फैलाते हैं, कहते हैं रोड बंद करो या रोड बंद करो, यहाँ पे जो है कूड़ा गिरेगा, कूड़ा की जमीन है ये बता रहे हैं। नहीं, जबकि ये आप देखना चाहेंगे कि मतलब पूरी तरीके से ये बात नहीं तोड़ी, नहीं हमने सामने तोड़ी नहीं, ट्रक वाले वो जो आए तोड़ के हमारे सामने जो है तोड़ी नहीं, उसको बाद हटा देंगे, नहीं सब हटाओ यहाँ कूड़ा गिरेगा। ये सब जो है वहाँ तक बाउंड्री थी, ये ऊंची बाउंड्री थी, ये सब तोड़ के ट्रक वाले ने सब तोड़ दिया है, वहाँ तक कूड़ा पड़ता है पूरे चौराहे में, पूरा अंदर ठेला लगने नहीं देते, पूरा रोड जाम हो जाता है। ये सब निकलना बैठना दिक्कत हो, दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से गाड़ियां हैं कूड़े के ढेर के ऊपर से होकर गुजर रही हैं। यहां से हजारों लोगों का रोज का निकलना है और इस कूड़े के ढेर के ऊपर से होकर उनको जाना पड़ता है। अभी दो तीन बजे के बाद आइए, देखिए रोड ब्लॉक कर देते हैं, दो तीन बजे के बाद आइए। जी जी जी, अरे नगर निगम के अधिकारियों से कहो, वो तो कहते हैं नगर निगम की जमीन है, नहीं आप लोगों की दुकानें हटा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि यहाँ पर कोई ये खाली जगह नहीं है और ये नागरिकों के और यहाँ के रोज के निकलने वाले लोगों के लिए रास्ता है और सड़क पे इस तरीके से कूड़ा का अंबार पड़ा हुआ है। आप कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा रोड बनाइए, उसको नगर निगम के दिखाएं, और बहुत लोग बीमार भी हो रहे हैं जो अस्पतालों में जा चुके हैं यहाँ से। जी जी जी, यहाँ से यही का मामला है, कई लोगों को हम लोगों ने खुद भिजवाया है अस्पताल जी इसी के जरिए, क्योंकि यही रखते हैं भाई, मक्खियाँ बैठती है, बीमारी खाना खाते हैं। अब आने वाला समय तो और गर्मी का आ रहा है, सालन और बदबू पैदा होगी, मरना ही जो है सोच लो, ये की दवाओं का कोई मामला नहीं, फिर मौत ही मामला है, ऐसा मामला है। वैसे सब रोड सब जाम रहती है, आप देखिए जाम रहता है, इतना रोड आप देख रहे हैं सब बंद ब्लॉक हो जाता है, अभी 12-1 के बाद ब्लॉक हो जाएगा, अभी ला ला के डालने वाले हो, मतलब यहाँ पर डेली हजारों टन कूड़ा डाल के, जबकि ये खाली जगह नहीं है। मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि ये खाली जगह नहीं है, ये रोड है, इस रोड पे बकायदा ये हरा ला के डंप कर दिया जाता है और किस तरीके से गाड़ियाँ निकलती है, उस कूड़े के ऊपर से ही गाड़ियाँ निकल रही हैं, यहाँ के राहगीरों को उन कूड़ों के ऊपर से ही निकलना पड़ता है, मजबूरी है। नगर निगम के कोई भी अधिकारी इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, लापरवाही का कारण ये बनता जा रहा है।
ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हाल। आप देख रहे होंगे कि स्मार्ट सिटी बनाने की तर्ज पे काम हो रहा है, लेकिन आप की यहाँ की व्यवस्थाओं को देख के कह सकते हो कि क्या ये लखनऊ विकसित हो रहा है। इस तरीके के नगर निगम के अधिकारी अगर ऐसे ही कार्य प्रणाली उनकी रहेगी तो कैसे यह स्मार्ट सिटी बन पाएगा। हम अवरल टाइम के माध्यम से यही कहना चाहते हैं नगर निगम के अधिकारियों को कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। यहाँ के लोग जो आसपास रहते हैं और राहगीर जो यहाँ से निकलते हैं उनको इससे छुटकारा मिल सके। हमारे कैमरामैन हिमांशु कश्यप के साथ अंशुल शुक्ला, अवरल टाइम्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।